अभी आपने सुना होगा नेपाल से अयोध्या के लिए दो सेलाएं आई हैं। गंडकी नदी से शालिग्राम से लाए हैं, वो ट्रकों पर आई हैं। जब लोगों को पता चला कि इन शिलाओं के अयोध्या में राम जी तैयार होने वाले हैं, इस पत्थर से अब राम जी प्रकट होंगे, तो लोगों ने उन शालिग्राम शिलाओं की, जहां जहां से वो ट्रक निकला, लोगों ने लाखों की संख्या में उन शिलाओं का दर्शन किया, उनमें अपने राम का दर्शन किया। त्रेता के राम, आज भी यदि उनके नाम का पत्थर गुजर जाए गांव शहर से साहब, लोगों की आंखें गीली हो जाती हैं। ये धर्म है, इसे धर्म कहते हैं। धर्म कभी नहीं मरता मेरी माँ, हम मर जाएंगे, धर्म कभी ना मरेगा। इसलिए आपसे बार बार ये दास यही कहता है, प्राण छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, मरना पड़े तो मर जाना, शरीर की प्राणों की परवाह ना करना, परवाह करना तो सिर्फ धर्म की परवाह करना। धर्मो रक्षति रक्षितः। वो पत्थर जब वहां से चले, लोगों ने बताया लगभग 9 करोड़ साल पुराने पत्थर हैं वह। रिसर्च बताती है कि लगभग 9 करोड़ वर्ष पुरानी शिला है वह। नौ करोड़ साल पहले शायद किसी संत ने किसी से कहा हो, तू पत्थर हो जा। क्यों हो जाऊं? क्योंकि 9 करोड़ वर्ष तक तू पत्थर रहा, तो 9 करोड़ वर्ष बाद तू भगवान हो जाएगा। यही है त्याग। कुछ पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। धन्य हो गई वो शिलाएं। जो शिलाएं, अभी तो वो शालिग्राम है, अभी भी भगवान ही हैं। अब उनसे एक मूर्तिकार छेनी हथौड़े से काट काट के ऊपर का आवरण हटाकर सुंदर से राम दरबार को प्रकट करेंगे। सुंदर से मेरे रघुनंदन मुस्कुराते हुए प्रकट हो जाएंगे। जो द्वापर में, जो त्रेता में दशरथ जी के यहाँ प्रकट हुए थे, वही हम भारत, हम जीवों का, हम लोगों का बड़ा भाग्य है साहब कि हम लोगों की आंखों के सामने राम जी का मंदिर भी तैयार हो रहा है, और राम जी हमारी आंखों के सामने तैयार हो रहे हैं। हम वो भाग्यशाली लोग हैं इस धरती के, जो राम मंदिर की प्रतिष्ठा अपनी आंखों से देखने वाले हैं। आगे का तो हम अपनी गारंटी नहीं लेते, रहेंगे नहीं रहेंगे, फिर भी एक उम्मीद है कि राम जी तो हमारी आंखों के सामने ही अब बैठेंगे। कई 100 साल पुराना ये इतिहास रहा है राम मंदिर का, जो अब नींव तैयार होकर अब काम तेजी से, और 2024 तक राम जी विराजमान हो जाएंगे। बस हमारे गांव में एक सज्जन है, वो कभी अयोध्या नहीं जाते, अभी भी हैं वो जीवित हैं। हम जब अयोध्या गए पढ़ने लिखने, तो हमने पूछा, चलो अयोध्या चलते हैं। नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? बोले, हमने संकल्प लिया है जब मंदिर बन जाएगा, रामलला बैठ जाएंगे, तब ये शरीर अयोध्या जाएगा। बचपन से जब हम लोग छोटे छोटे थे, तब से देख रहे हैं उन्हें। बहुत लोग हमारे देश में ऐसे मिल जाएंगे
जो अयोध्या नहीं गए सिर्फ इसलिए कि मंदिर बनेगा तब जाएंगे। इंतजार की वो घड़ियां अब धीरे धीरे पूरी होने को आई। इस धरती पर सबसे बड़ी है मेरी माँ। पत्थर तो पत्थर ही होता है, लेकिन पत्थर में जब श्रद्धा मिल जाती है ना, तो आपकी श्रद्धा उस पत्थर में भगवान प्रकट कर देती है। शिलाएं तो बहुत हैं, पर श्रद्धा उस पत्थर को भगवान बनाती है। इसलिए सबसे बड़ा धन है श्रद्धा। इसलिए श्रद्धा ना टूटे। राम जी, अच्छा कभी आप शांत चित्त से बैठो और राम के ऊपर नजरें रखो और कभी विचार करो राम बनना कितना कठिन है। क्या हम राम बनने की, हम राम बनने की सोच सकते हैं? कोई आपत्ति नहीं है, हम भी उस मार्ग पर, राम जी के पथ पर चल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है सोचने में, चलने में, पर रास्ता कितना कठिन है ये जरा सोच कर देखिए। इसलिए राम सत्य के रास्ते पर चले हैं, पूरी जिंदगी गुजार दी राम जब तक धरती पर रहे, आपने सत्य को, आपने धर्म को नहीं छोड़ा। इसलिए धर्म को मत छोड़िएगा। किसे मत छोड़िएगा? धर्म को। धर्म बड़ी चीज है। आज हम देखते हैं लोग जरा जरा सी बातों के लिए, जरा जरा से पैसे के लिए, जरा जरा लोभ के लिए, जरा से फायदे के लिए, पैसों के लिए झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, और ईर्ष्या द्वेष तो खूब भरा पड़ा है। मैं सवाल करता हूं आपसे, बताइए इस ईर्ष्या द्वेष से क्या लाभ है आपका? क्या प्राप्त करेंगे आप? इसलिए छोड़ दीजिए। जिस दिन ये सारी बुराइयां छोड़ देंगे, उस दिन जीवन में अपार शांति का अनुभव होगा। अनुभव शांति का चाहते हो तो छल कपट ईर्ष्या द्वेष छोड़कर निष्कपट होकर समाज की सेवा करो, भगवान मानकर। यही मानव का धर्म है। सेवा ही धर्म है। इसलिए दास अनिरुद्ध ने और कोई काम ना चुनकर सेवा ही हमने चुनी है। हमारा काम है सेवा करना। भगवान ने धरती पर भेजा है सेवा करने, तो जब तक सांस रहेगी सेवा करूंगा और सेवा करके ही जाऊंगा। अर्थ क्या है? सेवा करने के लिए भगवान ने भेजा है हमें भी, आपको भी। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। सेवा जरूर करनी चाहिए। सेवा ही परम धर्म है। सेवा ही जीवन का परम लाभ है, परम लाभ। इसलिए दास कहता है एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा।